हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू में शुरू करते हैं 10 सितंबर के करंट अफेयर। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं अनाउंस करता हूं हमारे जो टी शर्ट विनर हैं कल के, उनका नाम है मनीष खुशवाहा है हमारे कल के विनर, यानी 9 तारीख के विनर। तो मुबारक हो, आपने जीती है स्टडी आईक्यू की टी शर्ट। और आप मुझे ईमेल करें अपना पता gaurav.studyiq@gmail.com पर, अपनी एक कोई भी आईडी कार्ड साथ में उसकी फोटो खींच के भी लगाएं। और वीडियो शुरू करने से पहले कल यानी कि 9 तारीख को, एक्चुअली 7 तारीख को, 9 को नहीं 7 तारीख को पेपर था एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के प्राइमरी टीचर का। तो उसमें कुछ जीके के सवाल पूछे गए हैं, तो मेरे को लगा आपसे शेयर कर लूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। तो मैंने जो क्वेश्चन आए थे उनमें से ये 8 सिलेक्ट करे हैं, ये लेटेस्ट पिछले 3 महीनों के करंट अफेयर में से पूछे गए थे। और मेरा ये मानना है अगर एक एग्जाम में करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो दूसरे में रिपीट जरूर होते हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया था कि कौन से भारतीय स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने 18वें जकार्ता एशियन गेम्स में, जो जकार्ता और पलमबंग में हुए थे इंडोनेशिया में, अभी अभी एशियाई खेल खत्म हुए, तो पहला गोल्ड किसने जीता भारत की तरफ से, ये पहला सवाल था। ये मैं सारे सवाल पढ़ दूं, फिर आपको 30 सेकंड का समय दूंगा और फिर मैं आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। कोफी अन्नान जिनका निधन हो गया, ये यूनाइटेड नेशन के चीफ थे, ये कौन से अफ्रीका के देश में पैदा हुए थे। तीसरा, केंद्र सरकार ने कौन सी कमेटी बनाई है जो जेई एडवांस्ड एग्जाम होता है उसमें जो सुधार है वो सजेस्ट करेगी। कौन सा आईआईटी है जिसने जल संसाधनों की जो कमी हो रही है भारत में उसको दूर करने के लिए री वाटर रिसर्च सेंटर बनाया है। कौन सा भारत का शहर है, भारत का नहीं दुनिया का कौन सा शहर है जहां पे 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन अभी अभी खत्म हुआ है। कौन सी ऐसी भारत की मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर से भी छोड़ी जाएगी और इसको बोलेंगे हेलीना, क्योंकि हेलीकॉप्टर से भी छोड़ी जा सकेगी। इंटरनेशनल टाइगर डे ये किस दिन मनाया गया। प्रधानमंत्री जो मोदी हैं उन्होंने 15 अगस्त का जो भाषण था उनका लाल किले से, उस दिन कहा कि भारत अंतरिक्ष में जाएगा, इस प्रोग्राम का नाम क्या है। तो आपका 30 सेकंड शुरू होते हैं अब और फिर मैं आपको आंसर भी बताऊंगा। कभी भी आप परेशान हो तो ये इमेजिन कर लीजिए, आंख बंद करके अपने जो थॉट्स हैं उनको काम डाउन करिए। सोचिए कि किसी जंगल में आप घूम रहे हैं, कोई एक ऐसा रास्ता है जहां पर आप अकेले हैं। आपको एक बात बता देता हूं मैं, आप दुनिया के किसी भी बड़े आदमी, कोई भी सक्सेसफुल आदमी हो, उसकी जीवनी आत्मकथा पढ़िए। एक चीज़ मैंने जो पर्सनली नोटिस करी है वो ये कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े आदमी हुए हैं वो, उनमें एक चीज कॉमन थी और वो ये कि वो अकेलेपन से लड़ना जानते थे। ये मैंने नोटिस करा है। आप गांधी जी ले लीजिए, आप नेल्सन मंडेला जो इतने साल जेल में बंद रहे, कोई भी बड़ा आदमी उसने एक चीज सीख ली और वो है अकेलेपन से लड़ना। तो कभी आप अकेले हों तो उसको एक भगवान का आशीर्वाद समझिए और अकेले रहना सीखिए। चलिए अब लौटते हैं, अब आंसर बताता हूं, ठीक है। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, पहला जीता था बजरंग पुनिया ने, हरियाणा के पहलवान हैं। कोफी अन्नान का जन्म कहां हुआ था, घाना में हुआ था, ये मैंने बताया। ये जो 8 सवाल हैं, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो मेरे ख्याल से 15 से 20 सेकंड के सवाल हैं। ये मैंने जब कोफी अन्नान के बारे में बताया था तो घाना बताया था और मैप पे आपको दिखाया भी था घाना, और घाना की राजधानी भी बताई थी आकरा। केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है, ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं डायरेक्टर भास्कर राममूर्ति, तो भास्कर राममूर्ति कमेटी बनाई है, जेई एडवांस एग्जाम जो है उसको सजेस्ट करेगी। भास्कर राममूर्ति हैं कौन, आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर, ये भी मैंने बताया था कि ये कौन से आईआईटी के डायरेक्टर हैं। भारत का कौन सा आईआईटी है, ये है आईआईटी खड़गपुर, और ये आईआईटी खड़गपुर बंगाल में है। और आपको बता दूं ये जो खड़गपुर है आईआईटी, ये भारत का पहला आईआईटी था, बहुत कम लोग जानते हैं। कौन सा शहर है जहां पे हिंदी सम्मेलन, तो मैं कई बार बता चुका हूं हिंदी सम्मेलन मॉरिशियस में, और शहर पूछा है कंट्री नहीं पूछा, तो मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुइस आंसर है, ठीक है। संस्कृत वाला हुआ था वैंकूवर शहर में जहां प्रकाश जावड़ेकर जी गए थे। कौन सी भारत की मिसाइल है जो हेलीकॉप्टर से छोड़ेंगे तो बोलेंगे हेलीना, और वैसे क्या नाम है, वैसे नाम है नाग, टैंक को खत्म करने के काम आती है, दुश्मन का अगर कोई टैंक हमारी तरफ बढ़ रहा है तो उसको खत्म कर देगी। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस, देखिए ये तो आसान सवाल है, 29 जुलाई मतलब, और 29 अगस्त को क्या होता है, 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। और किसका बर्थडे होता है राष्ट्रीय खेल दिवस, श्री ध्यानचंद जी का। प्रधानमंत्री ने
ये जो कहा स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, ये है गगनयान। गगनयान 2022 तक एक भारतीय जरूर जाएगा अंतरिक्ष में, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। तो आई होप 8 में से कम 5-6 तो, अगर मेरे वीडियो देख रहे हो इतना तो बनता है, 6-7 तो मेरे ख्याल से हर कोई कर देगा। मेरे ख्याल से इनमें जो टफ सवाल था वो कमेटी वाला था, क्योंकि भास्कर राममूर्ति नाम याद नहीं रहता। री वाटर रिसर्च सेंटर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इतने सारे आईआईटी हैं, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली और कई सारे हैं। हिंदी कॉन्फ्रेंस वाले में, हिंदी और संस्कृत वाले में कंफ्यूज हो सकते हो। संस्कृत वाला वैनकूवर में हुआ था, बाकी तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। टाइगर वाले तो ये तो आसान है। गगनयान मेरे को नहीं लगता किसी का भी गगनयान गलत हुआ होगा। कॉफी अंदान घाना ये भी मैं समझता हूँ उतना आसान नहीं था सवाल। और पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, तो अगर आपने मेरा एशियन गेम्स वाला वीडियो देखा है तो ये आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करें। नए सवाल, नई उम्मीद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने किस देश को चागोस द्वीप समूह पर अपने दावे पर समर्थन दिया है? फिलहाल यह द्वीप समूह यूनाइटेड किंगडम के नियंत्रण में है। भारत किसको सपोर्ट कर रहा है? यूके को सपोर्ट कर रहा है, या इसकी लड़ाई हो गई मॉरिशियस से तो मॉरिशियस को सपोर्ट कर रहा है? हम सपोर्ट कर रहे हैं हमारे परम मित्र मॉरिशियस को। देखिए मॉरिशियस हम सच में हम परम मित्र है हमारा, और आपको बता दूं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो होगा उसमें मॉरिशियस हमारा पार्टनर कंट्री होगा, और ये मॉरिशियस के वो हैं वहां के हेड ऑफ स्टेट प्रवीण जगन्नाथ। ये मॉरिशियस के प्रधानमंत्री हैं। मॉरिशियस की राजधानी पोर्ट लुइस है, जहां पे हिंदी सम्मेलन हुआ था अगस्त के महीने में। और ये मामला क्या है पूरा ये भी समझा देता हूं। देखो ये जो है ये है अफ्रीका, ठीक है, और ये अफ्रीका में, ये देखो अफ्रीका में इस तरफ आ जाओ, ये हिंद महासागर की तरफ आ जाओ, तो ये मादागास्कर है, ये सेशल है, और ये नीचे आ जाओ, सेशल वही देश है जहां से हम अजम्पशन आइलैंड हमको मिल रहा है। अजम्पशन आइलैंड पे हम अपनी मिलिट्री लगा सकते हैं, और ये नीचे है मॉरिशियस, ठीक है। अब इसको बड़ा करके दिखाता हूं इतने एरिया को, ये हमारे काम का है, अफ्रीका हमारे काम का नहीं है। तो यहां आ जाओ, ठीक है, ये इतना बड़ा, ठीक है। अब ये देखो ये तो है मॉरिशियस, ये इसकी राजधानी पोर्ट लुइस, और ये कई सारे टापू हैं। जब टापुओं का गुच्छा बनता है उसे बोलते हैं आर्किपेलेगो। आर्किपेलेगो मतलब जब कई सारे टापू होते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से एक साथ होते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर की तरफ आ जाओ, ये ऊपर की तरफ देखो, ये है चागोस, ठीक है। अब हुआ क्या, ये पूरा मॉरिशियस देश है। अब इसमें से यूके जो है उसने डिएगो गार्सिया नाम का एक टापू है, डिएगो गार्सिया, ये दे दिया अमरीका को, और अमरीका ने अपनी मिलिट्री बिठा दी इस पर। आज की तारीख में डिएगो गार्सिया अमेरिका का मिलिट्री बेस है जो यूके ने दिया। अब मॉरिशियस कह रहा है भाई तुमने क्यों दिया, ये तो मेरा था। तो इस बात पे वो चल रही है कि जो ये है डिएगो गार्सिया ये किसका है, ये चागोस के अंदर आता है, ये है ऊपर टापुओं का समूह जिसको बोलते हैं चागोस। मॉरिशियस कहता है ये मेरा है और यूके कहता है ये मेरा है। तो अब ये ले गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो भारत किसको सपोर्ट कर रहा है? भारत कर रहा है मॉरिशियस को सपोर्ट, यूके को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये पूरा मामला है, ये क्लियर हो गया। और ये 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे अफ्रीका से। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि 2022 तक हम जो कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण को 11% कम कर देंगे? यह दावा करा है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला, और मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है अनिल अंबानी की, इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कोर्ट केस जीत लिया है। तो कितना पैसा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्हें देगा? ये जो मध्यस्थता अवार्ड इन्हें मिला है ये मिला है 200 करोड़ रुपए, यानी 200 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे करेगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये इनकी लड़ाई हो गई थी, कुछ नेशनल हाईवे था कोई 54 था या 45 था ऐसे कोई था, उस पे जो टोल प्लाजा वगैरह को लेकर लड़ाई हो गई थी, तो उसमें एनएचएआई की तरफ से काफी देरी हो गई थी, इस वजह से रिलायंस को नुकसान काफी हुआ था। तो रिलायंस ने जो मामला है वो कोर्ट में ले गए और 200 करोड़ रुपए पे करेगा एनएचएआई। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए हरियाणा के कितने सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा? हरियाणा के हैं 3 विद्यालय। और अगर मैं पूछूं भारत का सबसे साफ स्कूल कौन सा है, मैंने आपको बताया था, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कुनी चाम्पैट में है, और कुनी चाम्पैट है पौंडेचेरी में, और नंबर 1 पे पौंडेचेरी ही था। पौंडेचेरी के 7 विद्यालय ऐसे हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा, हरियाणा के 3 हैं, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भिवानी रोहिला हिसार, नाम याद नहीं रखने आपको, फिर ये रामगढ़ पांडवा कैथल वाला, ये सेम स्कूल है आरोही मोड़ यही वाला, और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल किरमारा हिसार। तो ये नाम याद नहीं रखने, बस याद रख लो हरियाणा के 3 स्कूल हैं। और ये है भारत के सबसे साफ रेलवे स्टेशन। तो A1 कैटेगरी में है जोधपुर, जयपुर, तिरुपति, नंबर 1, 2, 3 पे। A1 मतलब जो बड़े स्टेशन है।
फिर दूसरी कैटेगरी है ए, ए मतलब जो छोटे स्टेशन है, नंबर वन पे मारवाड़ रेलवे स्टेशन, फिर फुलेरा और फिर वारंगल। कमेंट्स में लिख के ये बताओ ये फुलेरा नाम की जो जगह है ये भारत के कौन से राज्य में है। ये है आपका पहला प्रश्न आज के लिए, फुलेरा जो रेलवे स्टेशन है ये भारत के कौन से राज्य में है। नवंबर में होने वाले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन यानी फूड प्रोसेसिंग समिट में कौन सा देश झारखंड का साझेदार देश होगा यानी पार्टनर कंट्री होगा। देखो झारखंड में प्रॉब्लम क्या हो रही है, झारखंड में बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क बनने वाला था गेतलसुद में, और गेतलसुद है रांची में, अब ये तो बंद हो गया और झारखंड में फसलों को रखने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, झारखंड में अगर टमाटर की बात करूं तो झारखंड में टमाटर की खेती काफी होती है, इस साल 35 लाख टन टमाटर की खेती हुई है, 15 लाख टन सिर्फ काम का है, 20 लाख टन बच गया है। अब इस 20 लाख टन का क्या करें, अगर मान लो कोई कोल्ड स्टोरेज होता वहां रख देते या हम उसको प्रोसेस कर लेते, जैसे इसको हम टोमेटो केचप वगैरह में कन्वर्ट कर सकते थे, चटनी बना सकते थे, उसको रख सकते थे। तो इसलिए हमें फूड प्रोसेसिंग चाहिए, झारखंड में मेगा फूड पार्क की जरूरत है, खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग हमें करना पड़ेगा। तो इसके लिए फूड प्रोसेसिंग समिट झारखंड में होगा और इसमें चीन होगा इसका साझेदार देश, चीन। किस एयर मार्शल ने डंडीगल में वायुसेना अकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला है। ये डंडीगल में जो हमारी वायुसेना अकेडमी है इसका कमांडेंट बने हैं मिस्टर अरविंदर सिंह बुटोला, अरविंदर सिंह बुटोला। कमेंट्स में लिख के ये बताओ ये जो डंडीगल है नाम की जगह ये कौन से राज्य में है जहां पे हमारी वायुसेना अकेडमी है, कहां पे है डंडीगल। और तीसरा क्वेश्चन ये बताओ, एक जगह है खड़गवसला, खड़गवसला, ये खड़गवसला जगह में ऐसा क्या है जो इतनी पॉपुलर है, क्या है खड़गवसला में, क्वेश्चन नंबर थ्री। किस राज्य की सरकार ने सिंह फन वन्य जीव अभ्यारण्य को एक हाथी रिजर्व घोषित कर दिया है, ये भारत का हाथी रखने के लिए 30वां रिजर्व बनेगा, एलिफेंट रिजर्व बनेगा, और इसका नाम है सिंह फन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिंह फन वन्य विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है नागालैंड में। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, निफ्यू रियो, निफ्यू रियो, राजधानी है कोहिमा। और नागालैंड कहां है दिखा देता हूं, पहले आप इसको मैप को ढंग से देखो, तो ये जो सबसे इधर वाला ये अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, फिर उसके बाद है ये नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर और सबसे आखिर में है मिजोरम। तो ये चार है, ये है नागालैंड और इसका जो सीमा है वो लगती है म्यांमार से। ये जो पीले रंग में है ये है असम, असम के अंदर ही समाया हुआ है मेघालय, ये असम की बाउंड्रीज के विदिन ही है ये, और बांग्लादेश से बॉर्डर लगता है मेघालय का, और ये जो बचा एक ये है त्रिपुरा। तो ये है हमारा उत्तर पूर्व। और नागालैंड में क्या चीज़ें याद रखनी है आपको, तो नागालैंड में 5 है प्रोटेक्टेड एरिया। सबसे पहले एक ही नेशनल पार्क है इन टांकी, एक्चुअली इन टांकी एक नदी है वहां पे, तो ये उसके किनारे है तो इसलिए इसका नाम हो गया इन टांकी, इन टांकी राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में। फिर 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक है फकीम, एक है पुली बाडजे, एक है रंग पहर और एक है सिंगफन। तो सिंगफन को अब हाथी रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है और ये भारत का 30वां हाथी रिजर्व है। चलो अब चौथा सवाल आज का, ये बताओ भारत के किस राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व है और भारत के किस राज्य में कोरिंगा हाथी रिजर्व है। रिपीट करता हूं, कामेंग हाथी रिजर्व कहां है और कोरिंगा हाथी रिजर्व कहां है, कमेंट्स में लिख के बताओ। और ये नागालैंड के अच्छे से याद कर लो, इंटांकी, फकीम, पुली बाडजे, रंग पहर और सिंगफन। भारत सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में ऋण वसूली आवेदन दाखिल करने के लिए जो पेक्यूनरी लिमिट है, पैसों की यानी मौद्रिक सीमा, उसको दुगना कर कितना कर दिया है। पहले 10 लाख रुपए पे केस दर्ज हो सकता था, अब कर दिया है 20 लाख, 20 लाख। अगर आपको पैसा वसूलना है किसी से तो ऋण वसूली न्यायाधिकरण में 20 लाख रुपए पर आवेदन हो सकता है, पहले 10 लाख पे हो सकता था। किस देश की एक प्रमुख पुलिस अकेडमी ने घोषणा की है कि महिलाओं को पुलिस में शामिल नहीं किया जाएगा, यह देश है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड ने कहा है पुलिस में अब हम महिलाओं को नहीं लेंगे। कौन सा देश इसराइल दूतावास को जेरूसलम से हटाकर अब तेल अवीव में स्थापित कर देगा, यह तीसरा देश बनेगा ऐसा करने वाला, और इससे पहले अमेरिका और ग्वेटेमाला ऐसा कर चुके हैं, अमेरिका और ग्वेटेमाला, तीसरा देश है पैरागुए, पैरागुए की राजधानी है असुनसियोन, असुनसियोन, और इसकी मुद्रा है गुआरानी, गुआरानी। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर को एक पैनल बनाया है। देखो आपको पता होगा कि अरविंद सुब्रमण्यम तो चले गए, अब अरविंद सुब्रमण्यम कौन थे, हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार,
अब भारत का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होगा, इसके लिए एक पैनल बना है, एक कमेटी बनी है। इसके अध्यक्ष होंगे भारत के पूर्व रिजर्व बैंक के गवर्नर, उनका नाम क्या है, उनका नाम है बिमल जलान। बिमल जलान पैनल बना है भारत का, इस पे ये जिम्मेदारी है बिमल जलान के पास कि भारत का अगला मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन होगा, उसके लिए नाम सुझाओ। हाल ही में किस भारतीय शूटर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप के जूनियर 10 मीटर एयर पिस्तौल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। अब यहां पे देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पिस्तौल। देखो दो तरह की बंदूक है, एक पिस्तौल होती है और एक होती है राइफल। ये डायग्राम में देखो, ये ऊपर वाली जो है बड़ी, ये है राइफल, और नीचे वाली जो है ये पिस्तौल। अगर पूछे पिस्तौल में किसने जीता तो आंसर है सौरभ चौधरी, अगर पूछे राइफल में किसने जीता 10 मीटर में तो आंसर है हृदय हजारिका। नहीं समझे? देखो पिस्तौल में किसने जीता, सौरभ चौधरी, ठीक है, मेरठ के हैं ये, मेरठ पश्चिम उत्तर प्रदेश। और अगर पूछे कि राइफल में किसने जीता 10 मीटर में तो आंसर है हृदय हजारिका, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। बोबिली वीणा, इसको सरस्वती वीणा या एकंद वीणा भी कहा जाता है, बोबिली वीणा, ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। यह कौन से पेड़ की लकड़ी से बनता है, बोबिली वीणा, सरस्वती वीणा, यह बनती है जैकवुड। तो जैकवुड को जैक फ्रूट से कंफ्यूज मत करना, जैकवुड एक अलग चीज है, जैक फ्रूट एक अलग चीज है, और जैक फ्रूट को कटहल बोलते हैं, और जैक फ्रूट केरला का ऑफिशियल फ्रूट है। घुमरा नाम का एक प्राचीन लोक नृत्य है, यह कौन से राज्य में किया जाता है, घुमरा, घुमरा किया जाता है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन सा आम का एक प्रकार नहीं है, आम, बंगन पल्ले आम, बंगन पल्ले तो आपको अब तो पता होगा, बंगन पल्ले ये आंध्र प्रदेश में खाया जाता है, इसको भौगोलिक संकेतक मिला हुआ है, मैंने शायद परसों पूछा था या तीन दिन पहले पूछा था, मेरे को याद आ रहा है। अल्फोंसो महाराष्ट्र का मुख्यतः है। सिंधूरा आम ये भी एक आम है। रेड डेका नहीं, रेड डेका जो है ये केला है, और मैंने केला आपसे और पूछा था, आपको याद हो चंगली कुदन केला जो केरल में खाया जाता है। सेरेना विलियम्स को हराकर किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन का खिताब जीता, ये किताब है, किताब नहीं है, खिताब जीता, ये जीता नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका जापान की खिलाड़ी है, और ये एक उलटफेर कहा जाएगा क्योंकि सेरेना विलियम्स को हराना आसान नहीं है, सेरेना विलियम्स अमेरिका की खिलाड़ी है। और यहां पे बता दूं आपको, सेरेना विलियम्स की रेफरी से लड़ाई भी हुई जो काफी मीडिया में आ रहा है आजकल। जापान जो है उसके दो खिलाड़ी और आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, एक तो जरूर पूछेंगे आपसे रिकाको इक्की, ये क्यों पूछेंगे, क्योंकि एशियाई खेल जो अभी खत्म हुए हैं 6 गोल्ड मेडल जीत लिए इन्होंने, रिकाको इक्की ने 6 गोल्ड मेडल और टोटल 8 मेडल जीते हैं, और ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर डिक्लेयर की गई थी एशियाई खेलों की, रिकाको इक्की। ये कौन सा खेल खेलती हैं, 6 गोल्ड मेडल जीते हैं तो समझ जाओ ये स्विमिंग करती हैं, तैराक है, जापानी तैराक। और एक टेनिस खिलाड़ी है काई निशिकोरी, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इस यूएस ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचे और फिर नोवाक जोकोविच से हार गए, तो काई निशिकोरी का नाम भी याद रखिए और नाओमी ओसाका का नाम भी याद रखिए। और एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी है जापान की, उनका तो नाम आप भूलिए ही मत, नोजोमी ओकुहारा, ये भी आएगा एग्जाम में, नोजोमी ओकुहारा। किस भारतीय निशानेबाज ने दक्षिण कोरिया में ISSF विश्व चैंपियनशिप की पुरुष डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर कैरियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी, ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है अंकुर मित्तल, अंकुर मित्तल, ये स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। किस उल्लेखनीय उड़िया कवि को, उड़िया उड़ीसा की भाषा है, इनको अपने कविता संग्रह मिश्रा द्रुपद के लिए सरला पुरस्कार दिया जाएगा, इनको 5 लाख रुपए की धनराशि और साइटेशन मिलेगा, इनका नाम है शत्रुघ्ना पांडव, शत्रुघ्ना पांडव। किस शहर में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन किया गया, आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया, जहां पे एरो इंडिया शो भी आयोजित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मान्यता पर यानी एक्रेडिटेशन पर आधारित चौथे विश्व शिखर सम्मेलन यानी समिट ऑन एक्रेडिटेशन का किस शहर में उद्घाटन किया, ये किया दिल्ली में। इस तरह के जो सवाल है 99% आंसर जो होता है कहां पे उद्घाटन हुआ, कहां पे हुई, कहां पे सम्मेलन हुआ, इनका आंसर अगर भारत में हुआ है तो दिल्ली ही होगा 99% टाइम्स। किस भारतीय खिलाड़ी ने IAAF कॉन्टिनेंटल कप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया, ये इस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं, इनका नाम है अरपिंदर सिंह, ये अमृतसर के खिलाड़ी हैं। और आपको बता दूं 29 अगस्त को मैंने आपको कहा था राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस वाले दिन इन्होंने एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता था। ये कौन सा खेल खेलते हैं, ये ट्रिपल जंप खेलते हैं, कूद होती है ट्रिपल जंप। 2019
चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का नारा क्या होगा। पिछली बार तो आपको याद है, अब की बार मोदी सरकार, और इस बार नारा होगा अजय भारत अटल बीजेपी। अजय भारत अटल बीजेपी। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक बार हमारे जो राज्यों के गवर्नर हैं वो सारे अच्छे से याद कर लो। तो एक बार फटाफट हम रिवाइज करेंगे, 3 से 4 मिनट के अंदर ही हम सारे राज्यों के गवर्नर फोटो के साथ रिवाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। गवर्नर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, ESL नरसिम्हा। याद रखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के गवर्नर हैं ESL नरसिम्हा। अरुणाचल प्रदेश के हैं BD मिश्रा, ब्रिगेडियर BD मिश्रा। जगदीश मुखी हैं असम के। बिहार के नए गवर्नर हैं लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक को रिप्लेस किया था इन्होंने, लालजी टंडन। आनंदीबेन पटेल हैं छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर थे बलराम दास टंडन, उनका निधन हो गया, तो उनकी मृत्यु 14 या 15 अगस्त को हुई थी, तो उसके बाद आनंदीबेन पटेल बनी थी, और आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की गवर्नर भी हैं। मृदुला सिन्हा है गोवा की, मशहूर हिंदी साहित्य की लेखिका मृदुला सिन्हा गोवा की गवर्नर हैं। ओम प्रकाश कोहली गुजरात के गवर्नर हैं। सत्यदेव नारायण आर्या हरियाणा के हैं, सत्यदेव नारायण आर्या। आचार्य देवव्रत हैं हिमाचल प्रदेश के। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर हैं, इससे पहले बिहार के थे, और इससे पहले जम्मू कश्मीर के थे NN वोहरा। द्रौपदी मुर्मू, ये हैं द्रौपदी मुर्मू, ये झारखंड की गवर्नर हैं। वाजू भाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं, वाजू भाई वाला। पी सताशिवम जस्टिस रह चुके हैं, न्यायमूर्ति, केरल के गवर्नर हैं। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सी विद्यासागर राव महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नजमा हब्तुल्ला मणिपुर की गवर्नर हैं, नजमा हब्तुल्ला। तथागत रॉय मेघालय के हैं, इससे पहले त्रिपुरा के थे, तथागत रॉय। कुम्मानम राजशेखरन है मिजोरम के, मिजोरम में चुनाव भी होने वाले हैं। PB आचार्य हैं नागालैंड के, PB आचार्य। गणेशी लाल हैं उड़ीसा के, गणेशी लाल। VP सिंह बदनौर हैं पंजाब के, काफ़ी लंबे समय से हैं VP सिंह बदनौर। कल्याण सिंह राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। गंगा प्रसाद हैं सिक्किम के, गंगा प्रसाद, इससे पहले मेघालय के थे। बनवारी लाल पुरोहित हैं तमिलनाडु के, बनवारी लाल पुरोहित। तेलंगाना के और आंध्र के दोनों के ESL नरसिम्हा। कप्तान सिंह सोलंकी पहले हरियाणा के थे, अब हैं त्रिपुरा के, वेरी इंपॉर्टेंट। और त्रिपुरा के पहले थे तथागत रॉय, अब हैं वो मेघालय के। राम नायक उत्तर प्रदेश के हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर नहीं बनी है, KK पॉल जो थे वो रिटायर हो गए हैं, कृष्णकांत पॉल, उसके बाद बेबी रानी मौर्य बनी है उत्तराखंड की नई राज्यपाल। केसरीनाथ त्रिपाठी हैं पश्चिम बंगाल के। तो सारे गवर्नर हमने देख लिए फटाफट एक बार, और अब हम कंटिन्यू करते हैं आगे। किस देश ने भारत में होने वाले पहले बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास से अपना नाम वापस ले लिया है? ये देश जो है हमसे दूर जा रहा है, चाइना की गोदी में जा रहा है, चाइना ने इसको अपने 4 बंदरगाहों पर एक्सेस दे दिया है, ये है नेपाल। नेपाल कह रहा है बिम्स्टेक सैन्य अभ्यास, बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज जो पुणे में होने वाली थी, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। सो ये था आज का वीडियो, और काफी सारे सवाल थे आज भी। सोमवार का दिन है, नया हफ्ता शुरू होता है, मेरी शुभकामनाएं आपकी तरफ से। और आपको याद दिला दूं, हमारे कुछ पेनड्राइव कोर्स भी आते हैं, और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं, और ये लॉन्च होगा 15 तारीख को। ये खुद मैंने बनाया है पूरा का पूरा कोर्स वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का। तो अगर आप हमारा और भी बहुत कोर्स है, अगर आप कोई भी खरीदना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studyiq.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं सुबह 3 बजे।